बस था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीर, सोपला नहीं। गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसा सोया? बहुत बढ़िया, वो चेस्ट वर्कआउट के बाद तो बहुत अच्छा। ब्रो चेस्ट मेरा गया है। हां बाय द वे, मेरा भी। तेरा भी गया है? गुड, अच्छा लगा सुन के। फ्रेंच हवाले पर सोपला। सर्दी आली? ठंडी वाटत होती वाटत। हां ठंडी एवढं कारण वाटलं, पण इथलं वातावरण थोडं थंडच आहे। यूजुअली मैं एक हेवी मील खाने के बाद बहुत आसानी से सो जाता हूं, पर आई गेस कल का चेस्ट वर्कआउट इतना इंटेंस था कि मेरी बॉडी मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। फुल डिमांड, वो बोल रही थी कि और खाना पड़ेगा वरना कुछ रिपेयर नहीं होने वाला। दैट्स हाउ यू गो ऑन बल्क आई गेस। या योर बॉडी डिमांड्स फॉर फूड। हार्ट ट्रेनिंग वर्कआउट अच्छा होता है तो फूड भी अच्छा खाना मिलता है। सो मीर नाश्ता क्या करना है? ब्रेड और ऑमलेट लेते हैं। कितने अंडे? दो अंडे और दो ब्रेड। मीर को चाहिए एक बहुत ही लूज टी शर्ट, ये डबल एक्सएल है, पर इसके लिए डबल एक्सएल है कि नहीं पता नहीं, फाइंड आउट करते हैं। है ना ओवरसाइज। हां नो व्हाट टू पुट सैमसंग। सैमसंग हां। टोपी टोपी चाहिए बस। कमेंट इज माला इंडियन सैमसंग। इंडियन सैमसंग। अवधूत को देख के लगता नहीं होगा लेकिन क्या चल रहा है तुम लोगों का? अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? पकता हाथ। हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ये भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो घर पे अंडे खत्म हो गए थे, हमने जेप्टो से 30 अंडे का ट्रे और ब्रेड ऑर्डर किया। तू क्या खाएगा ब्रो प्री वर्कआउट मील? ब्रेड, बनाना और पीनट बटर। सो आज मैं मिहिर को अपने स्टाइल में एग्स बना के दूंगा। मिहिर घर पे मैजिक मसाला इस्तेमाल करता है। मेरा मैजिक मसाला ये है पेरी पेरी। अजून एक तुला हैक सांगूंगा, केचप के अंदर ना अगर थोड़ा सा मसाला डाला पेरी पेरी का तो और भी क्रेजी लगता। सो मेरा कुकिंग का जो बेस है वो सारा पेरी पेरी की वजह से ही है। Bas. It's all about making your meal tasty. Bas. Ek bodybuilding tarike mein. Yes. Thank you so much. Ready. Enjoy. Yes. So, कल हमने ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी बातें की। तेरे जर्नी के शुरू से आज तक तेरा न्यूट्रिशन कैसा रहा है? इन द सेंस तूने कितने बार बल्किंग कटिंग या मेन गेनिंग तूने एग्जैक्टली क्या फॉलो किया? मैंने हमेशा लीन बल्किंग की है। I did not follow कि मुझे एकदम बल्क करना है, एकदम कट करना है। उस प्रोसेस में क्या होता है ना, कभी कभी अपने को नॉलेज नहीं होती है तो बल्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, डर्टी बल्क हो जाता है। और मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितना बल्क करना है, उसके बाद कितना कट करना है। बिकॉज डिड नॉट हैव एनी कोच, मैं लोकल जिम में जाता था, ठीक है, तो वहाँ पर भी इतने नॉलेजेबल लोग थे नहीं। तो मैं यूट्यूब से जितना सीखता था तो मैंने यही प्रीफर किया, हमेशा एक स्लाइट लीन बल्क पे रहूं ताकि मैं अपनी एस्थेटिक्स भी रखूं और साइज भी रखूं साथ में। तो स्टार्टिंग बॉडी वेट कितना था? 44 केजीज। एंड टुडे यू आर एट 88। सो वो ऑलमोस्ट डबल है। ऑलमोस्ट डबल। तो इस पूरे ड्यूरेशन में तूने एक स्लाइट सरप्लस में खाया सच दैट तेरे एस्थेटिक्स कभी लूज नहीं होते। यस। सो विजिबल एब्स समवॉट हमेशा से थे एवरी टाइम ईयर अराउंड। और तूने कभी एक प्रॉपर कटिंग फेज नहीं किया? सिंगल डिजिट बॉडी फैट। आई हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड गेनर, तो मुझे स्टार्टिंग से बहुत खाना पड़ता था। जैसे मैंने बताया कल रात को कि मैं 12 बनानास खाता था स्टार्टिंग के फेज में। उसके बाद मैंने अपनी एक दो मील बढ़ाई एंड बनानास को कट डाउन किया 6 बनानास के पास। वही। और तुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तूने कट कभी नहीं किया तूने ज्यादा टाइम मसल पुट ऑन करने में स्पेंड किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो वाले फेज में कभी फंसा ही नहीं कि मुझे एकदम बल्क करना है और एकदम कट करना है। तो मेरी फिजिक जो है वो एस्थेटिक ही रही हमेशा और मुझे वो देख के अच्छा लगा। सो तू दो एक्सट्रीम्स पे कभी नहीं गया? कभी नहीं गया। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ यू लुक इन द मिरर। राइट। खुद को जब अच्छा लग रहा है, खुद को मोटिवेशन मिल रहा है खुद को देख के कि आई एम डूइंग गुड, तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे एकदम बल्क करना चालू करना चाहिए, एकदम कट करना चाहिए अभी। राइट। एंड आई हैव ऑलवेज बीन like been loved to be like huge a huge guy kyunki mujhe pasand aata hai koi compliment karta hai na ki bro you are looking huge it separates you from crowd bro hai na agar main aesthetic hu ekdam skinny hu aur shredded hu aur main kapde pehen ke bahar ja raha hu you don't no one would recognize bro correct ki do you even live body to mujhe acha nahi lagega so huge over aesthetics yeah huge plus aesthetics hai na but not single digit shredded not single digit bro that's like It feels like weakness, है ना? उतने में strength भी feel नहीं होती है। Right. I love doing strength training. Definitely. Yes. हाँ, इसका कब खाना खत्म होता है समझ में नहीं आता। दो मिनट में डन। छह के लिए एक मिनट में। वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कल मिहिर को कॉफी और सेट्रेलिन एक साथ पीना था। इशू ये है कि ये कॉफी नेस्कैफे नहीं है, थोड़ी अच्छी वाली कॉफी है। तो सेट्रेलिन ने कॉफी की बैंड बजा दी थी। लेकिन
मैं टेस्ट के लिए पीता ही नहीं हूँ ना ब्रो। हाँ पर ये कॉफी अच्छी है जेन्युइनली। तुझे पसंद है कॉफी? ट्राई करते। कॉफी पसंद है? हाफ ऑफ कराइएगा। मिहिर को दूध वाली कॉफी पसंद है शुगर के साथ ना? आई लाइक माय कॉफी टू टेस्ट गुड। मेरे अंदर का जो कॉफी लवर है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया है। इसको बहुत कड़ू लग रही है कॉफी। मिहिर साकर आई गेस वर्कआउट के बारे में दिल टूट गया मेरा। ट्रेनिंग सेशन के आधे घंटे पहले हम लेने वाले हैं सिट्रलिन। जैसे मिहिर ने कहा इसे डाइजेस्ट होने के लिए आधा घंटा लगता है। सो नाउ इज द बेस्ट टाइम। वन इंच Cheers. मला टेस्टी वाटलं है ना? चांगलं वाटलं ना? चांगलं वाटलं, टेस्टी वाटलं। हां तुला पण? आंबट आंबट दिख रहा है, दिख रहा है। पहले ही पंप हो गया दूध का, मस्त लग रहा है। तेरा बेस्ट बॉडी पार्ट है ना आई थिंक बैक। अभी हम बना रहे हैं प्री चेंज ऑफ प्लान्स। यस हाफ स्कूप ज्यादा क्योंकि बैक वर्कआउट है, बड़ा मसल ग्रुप है। जैसे पावर लिफ्टिंग की दुनिया में स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट ये बिग थ्री लिफ्ट कंसिडर किए जाते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट इंडस्ट्री में मैं वे प्रोटीन, क्रिएटिन और कैफीन को बिग थ्री सप्लीमेंट्स मानता हूँ। अगर आप एक सीरियस लिफ्टर हो तो आई फील लाइक आपको क्रिएटीन लेना चाहिए। ये है मसल ब्लेज का नया क्री एम जो सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर में अवेलेबल है। इस क्रिएटीन की अच्छी बात है कि इसके ब्लेंड की वजह से हमें एनहांस स्टेबिलिटी प्रोफाइल मिलती है। अब क्रिएटीन का जो टाइमिंग है इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। ऐसा कहा गया है कि पोस्ट वर्कआउट क्रिएटीन अब्सॉर्प्शन स्लाइटली बेहतर रहता है, पर मैं इन छोटी छोटी चीजों को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मैं कभी भी जब भी मुझे याद आएगा तब 3 to 5 grams ऑफ क्रिएटीन लेता हूँ। ये जो सर्विंग साइज है ये 4 grams है। क्रिएटीन लेते वक्त मैं हमेशा 5 to 6 liters पानी कंज्यूम करता हूँ। क्रिएटीन के कुछ कॉमन बेनिफिट्स, बेहतर रिकवरी, बेहतर स्ट्रेंथ, बेहतर जिम परफॉर्मेंस, ये सारी बातें ट्रेनिंग परफॉर्मेंस के साइड पे आई। इसी के साथ साथ क्रिएटीन आपके मसल्स के अंदर पानी पुल करता है जिसकी वजह से आपका मसल ज्यादा वॉल्यूमाइज होता है और ज्यादा वाटर होल्ड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं फटीग कम करने के साथ साथ ये मस्कुलर एंड्योरेंस भी इम्प्रूव करता है और रिकवरी में काफी असिस्ट करता है। मसल ब्लेज के क्रियाम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट पे मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। 12 बजे की गर्मी है अभी। Fuck. पीक समर, पीक बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। एसी चलाओ। रात को ठंडी लग रही थी, दोपहर को बहुत गर्मी है। मीर ने अभी पता है क्या बोला, वर्कआउट के बाद वाटरमेलन जूस। कल का वाटरमेलन जूस इतना ऑब्सेशन है वाटरमेलन। कल का वाटरमेलन जूस इतना अच्छा था ब्रो कि अभी सी क्रेविंग हो रही कि वर्कआउट के बाद पियेंगे। सो यूजुअली मैं हमेशा चेस्ट डे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। एज अ मैन चेस्ट डे पंप्स बेस्ट होते हैं, सबको पता है। पर अगर तेरी फिजिक देखी, एक ऐसा बॉडी पार्ट जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो तेरी बैक है। इसीलिए इफ एनीथिंग मैं बैक डे के लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड था। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये हो रहा है। तेरी बैक इतनी ग्रो कैसे हुई है और तेरे बैक ट्रेनिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से आज तेरी बैक इतनी स्टैंड आउट होती है? ओके मैं बिलीव करता हूँ कि जो फैंसी वर्कआउट्स है बैक के लिए, जैसे वो बेंच लगा के सीटेड हो गया, अलग अलग फैंसी टेक्निक्स है, मैं उन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो लैट पुल डाउन हो गया, रोइंग्स हो गए, आर्नोल्ड के टाइम से वो करते आ रहे हैं और उनकी फिजिक इतनी अच्छी है कि आजकल की फिजिक भी उतनी बेटर नहीं लगती, इतनी प्लीजिंग नहीं लगती जिनकी उतनी लगती थी एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो आई बिलीव कि मैं बेसिक टेक्निक पे स्टिक करता हूँ, लैट पुल डाउन हो गया, रोइंग्स हो गया, और ये दो मूवमेंट मुझे बहुत सही लगते हैं। उससे ज़्यादा आई गेस एट दी एंड जो डेस्टिनेशन टारगेटेड मसल है वो सेम ही है, तुम कौन से ही मूवमेंट से करो। इसीलिए लेट पुल डाउन एंड केबल रोज आई फील दे आर द बेस्ट जो मेरे बैक के लिए यूजफुल है। और मैं एक ही चीज़ सबको बोलता हूँ, जो भी मुझे कमेंट वगैरह में पूछता है कि आपकी बैक इतनी अच्छी और वाइड कैसे हैवी लेट पुल डाउन इज द आंसर, क्योंकि मैं वो स्टार्टिंग से करते आ रहा हूँ, 8 साल से करते आ रहा हूँ और वही चीज़ ने मेरी बैक को इतना ग्रो किया है। सो बेसिक अगर देखा, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, ये तेरे बैक ट्रेनिंग का फाउंडेशन है। तो जो बेंच लगा के वन आर्म रो लगाते हैं, ऐसे नील करके ये वो करते हैं, आई गेस दैट्स बुलशिट ब्रो, राइट? गुड टू हियर। अगर किसी को बुरा लगता होगा तो आई एम सॉरी बट दैट्स रियली बुलशिट। लगने दे ब्रो, अगर बुलशिट है तो बुलशिट है ब्रो। एग्जैक्टली, बेसिक्स विल ऑलवेज वर्क। लोगों को लगता है कि आप अलग अलग वे में बैठ के, खड़े होके, साइड होके कैसे भी ट्रीट करोगे, वो एक ही मसल टारगेट होने वाला है। अगर आप बैठ के सीटेड लैट पुल डाउन कर रहे हो, ये ग्रिप से कर रहे हो, ये ग्रिप से कर रहे हो, वो लेट्स भी प्रेशर आने वाला है। Correct. तो वो मतलब नहीं है कि बेंच लगा के ऐसे करना वैसे करना, तो सेम ही है सब कुछ। तो बेसिक ही करो और उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, अलग अलग करके आपका पोस्चर मत बिगाड़ो। और अगर वॉल्यूम की बात की तो कितने सेट्स करता है तू, वर्किंग सेट्स? आई ऑलवेज गो विद
टू वार्म सेट्स एंड थ्री वर्किंग सेट्स. वार्म सेट इसीलिए क्योंकि आप जो स्टार्ट करते हो वर्कआउट तो बॉडी को एक मूवमेंट की आदत पड़ जाए. करेक्ट. वो मूवमेंट मसल माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड होते ही आप वर्किंग सेट करो और हैवी करो. सो लैट पुल डाउन के तीन वर्किंग सेट, रोइंग के तीन वर्किंग सेट, वार्म अप सेट्स होने के बाद. यस यस यस. तो क्या आज हमें फुल स्टैक फिटनेस करने को मिलेगा? डेफिनेटली. Let's get it done, bro. मिहिर अपने सारे मूवमेंट्स एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टाइल में परफॉर्म करता है, जो मेरे लिए एक अच्छा चेंज इन पेस होगा. सो फर्स्ट वर्किंग सेट कितना वेट लो? 82. 82, लेट्स गो. रेप्स? 10 टू 12. 10 जाएगा. इजी. बहुत इजी. लेट्स गो. या या कम ऑन. 3 4 5 कम ऑन. 6 7 गुड जॉब. 8 व्हाट अ टेक्निक मैन. 9 लेट्स गो. 2 more. 11, 1 more. 12, good job, enough. अजून दोन बाकी आहेत. बाकी आहेत? Yes. Good morning. First working set. Let's aim for 12 reps. उसके बाद और दो सेट है तो एनर्जी एकदम वेस्ट नहीं करनी, बाकी दो सेट के लिए भी रखनी है. Right? Let's go. 96. 1. 2 3 4 5 6 7 8 easy. 9 10 11 12 easy. So मैंने ये notice किया कि even though इसके सारे reps explosive है, technique कभी compromise नहीं हो रही है. True. Like तू है control में. Crazy. जो weight आप control कर सकते हो उसी वेट पे हैवी मारो. एकदम आउट ऑफ लिमिट जाके अपनी फॉर्म फक करके रेस्ट परफॉर्म मत करने तो इंजरी हो सकती है. चल बोल. 1 2 3 एक्सप्लोसिव ब्रो. 4 यस. 5 6 कम ऑन. 7 थोड़ा स्लो. 8 9 कम ऑन. Two more. One more. Enough. Good job. Are you ready for body dysmorphia? Evolve, सब लोग ready हो? सब लोग ready हो? आ गया body dysmorphia. आ गया body dysmorphia. Let's go. Easy. Class. Easy Mihir, easy. Let's go. Lightweight. Power. Easy. Come on. Pull. 1. 2. 3. Breathe. 5. Come on. 5 more. 6. Good job. 7. Yeah, not go. Done yet. Let's go. 8. Yeah. 2 more. Not done yet. 2 more. 9. Yeah. 1 more. Not done yet. Bro, Ardo Kich. Yeah. One more. Pull kar half hai. Pull kar. Slowly. Good job. Class, bro. Good job. Class. I guess apan ek aur set lenge. Aur wo वेट कम करके 15 रेप्स लेंगे. फुल स्टैक करेंगे. मुझे इस मशीन का कोई आइडिया नहीं है इसका वेट कंपैरिजन कैसा है. फुल स्टैक करते देखते नहीं जाएगा जाएगा. या स्ट्रैप्स ले ले. फुल स्टैक 138 है. मैंने अपने आंखों से कभी विटनेस नहीं किया. हिस्टोरिक मोमेंट. आई डोंट थिंक इवॉल्व ने ये कभी विटनेस किया. लाइट वेट मिहिर, लाइट वेट. चल इजी. Crazy. 2. Easy, Mihir. 3. Main set, Mihir. Focus. Explosive. That's 6. Explosive. 7. More. 8. 9. Khich. 10. Kya bolungi? Historic. Thanks, man. Historic. चांगले होते रेप्स. चांगले होते ना. क्लीन.
क्लीन जे वेट तू लिफ्ट केलं हो त्याच्यासाठी क्लीन थँक्यू कंट्रोल दिस इज इन्स्पायरिंग. मैं कल यही कह रहा था इससे इतना होप मिलता है हम जैसे नेचुरल बंदों के लिए कि और बहुत आगे जाना है और जा सकते हैं. सो एट ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस. मेन चीज़ ये है 8 साल से मैं सेम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने उसी में प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया गया. मैंने कभी चेंज नहीं किया तो मेरी बॉडी को कभी क्या बोलते एक ये नहीं मिला कि भाई मुझे इसमें ग्रो करना है इसमें ग्रो करना है. राइट एक ही ट्रेनिंग स्प्लिट उसी में प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसा. और बेस्ट पार्ट बताया क्या है क्योंकि तूने सेम चीज फॉलो किया है. हाँ वी नो कि तूने जो किया है हाँ वो क्लियरली काम करता है. ट्रू बिकॉज दैट इज ऑल यू हैव डन. या सो और वो चीज करने का रिजल्ट यह है वो चीज में इतनी नॉलेज एक्वायर कर ली कि आई कैन 100% बेट कि कोई स्प्लिट इससे बेटर नहीं हो सकती मेरे लिए. मैं तो ये सोचता हूँ बाकी वो सब फैंसी स्प्लिट मुझे सही नहीं लगती थोड़ी सी. उनके बारे में क्या जो बोलते हैं कि नहीं क्या कि हमारे मसल्स यूज्ड टू हो जाते हैं. हाँ उसका क्या ओपिनियन है. आई गेस यूज्ड टू होना बॉडी को पता नहीं होता. टू बी ऑनेस्ट बॉडी को बस हाइपरट्रॉफी चाहिए होती है. तुम कैसे भी स्प्लिट यूज करो उसको हाइपरट्रॉफी मिलती है तो वो ग्रो करेगी. अगर तुम स्प्लिट बार बार चेंज कर रहे हो ना और उसमें प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो बॉडी को फिर वो ये नहीं मिलेगा कि भाई मेरी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है हाइपरट्रॉफी हिट नहीं हो रहा है. राइट तो मसल को चाहिए होता है हाइपरट्रॉफी. जब तक वो मसल टिश्यू ब्रेक नहीं होगा वो बनेगी कैसे बॉडी. वो तो है और मेन गोल तो डाइट ही है ना. या एग्जैक्टली आप अगर कोई एक स्प्लिट को मास्टर नहीं कर रहे हो तो आप चेंज क्यों कर रहे हो. है ना पहले एक स्प्लिट को पूरा समझ जाओ ये सही में काम कर रहा है कि नहीं. डू इट फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट ब्रो. एटलीस्ट उसके बाद चेंज करो. राइट आप 3 हफ्ते करोगे बाद में नहीं मजा नहीं आ रहा है और चेंज करोगे तो वो उसका जो पोटेंशियल होता है स्प्लिट का वो यूज नहीं हो पाता है. अगर स्प्लिट का ऐसा होगा कि 6 वीक के बाद आपको रिजल्ट दिखता है आप 3 हफ्ते में ही खत्म कर दोगे उसको तो फिर चेंज दिखेगा कैसा. है ना यू नीड टू डू इट फॉर लॉन्ग. या वही है. जब मैंने पिछले साल 4 डे स्प्लिट पे स्विच किया था तो मैंने उसे 1 साल के लिए किया. फिर मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे समझ में आए. एग्जैक्टली दैट्स एन एग्जांपल. 1 महीने में नहीं हुआ 2 महीने में नहीं हुआ. यू हैव टू डू इट फॉर लॉन्ग. वो चीज 1 साल तक की तब जाके तुझे पता चला नहीं अभी मुझे चेंज करना है. लोग अगर 3-4 हफ्ते में ही चेंज कर रहे हैं और बोलते मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है तो वो चीज़ गलत है ना ब्रो. गलत है डेफिनेटली. एंड बाय द वे मशीन कैसे लगी. बहुत अच्छी. मेन चीज़ क्या है ना ये मशीन का नीचे खींचते हो ना तो जो मिडल बैक है तुम्हारी पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती है. बाकी जो मशीन होती है ऐसी सेम उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते उसमें बस लैट्स एंगेज होता है. राइट लेकिन जो मिडल बैक का कॉन्ट्रैक्शन है स्क्वीज जो मिलता है बीच में वो नहीं हो पाता. इसमें वो हो रहा है डेफिनेटली. सो अब जाके हॉरिजॉन्टल पुल लगाएंगे. या मशीन रो केबल रो केबल रो या मशीन. लेट्स गो. वही दोनों भी चलेगा कोई भी चलेगा. चलेगा ठीक है. हमारे 3 वर्किंग सेट हो गया. अब मिहिर को एक ऑल आउट हाई रेप सेट लगाना है. या 20-21 रेप्स इट कैन बी कॉल्ड एज अ फिनिशर सेट. ठीक है एक मॉडरेट वेट पे 21 रेप्स निकालना. इससे पंप बहुत क्रेजी आने वाला है. लेट्स गो. चल 21 ओके. 2 3 4 5 Let's go. 6 7 8 Come on. 9 Slow. 10 Come on. 5 Fast. 1 2 Faster. 3 4 5 And 5 Slow. Control. 1 Yeah. Pull. Slow. 2 Slow. 3 Yep. 4 Pull. 5 One more. Slow. Very slow, okay? Very slow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Easy. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pull kar purna pull kar squeeze kar. Yes chal ajun 4 rep gaya. Pull come on good job. Pull kar ajun 2 gaye. Hejani ekdam squeeze kar proper. एक और लास्ट स्लो छोड़ एकदम स्लो छोड़. चल गए एक पुल स्लोली छोड़ बस इनफ. अरे क्या बात है बेटर वाट लेना. भारी
बैटरी वाट लेना क्या उड़ा है यार चल बोल या सुने क्लास भारी ब्यूटी फुल स्ट्रेच मस्त मी आर्नॉल्ड सारखा मारणं प्रिफर करतो हा मी ते नोटीस केलं पूर्ण स्ट्रेच केला ना लेग्स पण उघडतो ओके मग परत एंगेज तो तू जाणबूझ के असे राऊंड करता जसे फुल स्ट्रेच होतं ठीक आहे मैं ट्राय करूंगा यो डेफिनेटली बेहतर स्ट्रेच मिलता है ऑब्वियसली ट्राय करोगे तो इधर तक ही जाता है जब तक आप ट्राई नहीं करते हो ना तब तक पता नहीं चलेगा नेक्स्ट सेट मैं फाइंड आउट करूंगा बोल वन छोड़ पूर्ण बोल टू पूर्ण पुढे जा पुढे जा पुढे जा येस नाव पुल थ्री पाठी नको येऊस पाठी येऊस नको हा पुल फोर येस पुल फाईव्ह येस पुढे जा पूर्ण आणि पुल सिक्स येस बॉडी स्ट्रेट ठेवायची पाठीनं यायचं सेवन कम ऑन चल थ्री मो पुल 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 अजून एक घे अजून एक घे अजून एक घे पुल कर जोरात जोरात कसं वाटलं खूप नवीन मिळालं आम्हाला भेटत पण बॅलन्सचा इश्यू आहे बॅलन्सचा इश्यू आहे म्हणून बोललो मशीन करूया हा हे मस्त होता प्रेशर पण बॅलन्स चांगला होता हा माइंड मध्ये ना बॅलन्स चांगला होता पण बॅलन्स केबल रोपे बॅलन्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और मिहिर के लिए वेट इनफ नहीं था तो फॉर दीज रीजंस हम बचे हुए पुलिंग के सेट्स के लिए ये करने वाले हैं यस पहला वक्त है मशीन हां ही भारी है रे लेट्स गो पूर्ण सोड मस्त स्ट्रेच भेटते रे पुल कर टू लेट्स गो सन थ्री पुल फोर पूर्ण सोड आता पुल कर फाइव पूर्ण सोड पूर्ण सोड येस आता पुल कर सिक्स पूर्ण सोड पुल सेवन पुल एट अजून दोन घे अजून पुल नाईन एक घे अजून पूर्ण पुल कर पुल 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 चल पुल क्लास हे मशीन भारी बघूनच स्ट्रेच मला फील होतो अरे खूप चांगली मशीन आहे क्लास क्लास भारी स्ट्रेच मिळतोय फुल लवली ब्युटी क्लास कंट्रोल मीर गुड रेप्स ओनली चल नाइस वाव मस्त आहे ना फॉक मस्त आहे ना यात आय फील हॅवी याची गरजच नाहीये कारण की मॉडरेट अमाऊंट मध्ये एवढा फील होतोय ना एक्झॅक्टली ब्रो तू अगर हॅवी जायगा ना वो फुल स्ट्रेच नाही मिळेगा और इसमें मेन चीज ये है ना ब्रो बॉडी एक जगह लॉक्ड है पूरी एंड बस इतना ही मूवमेंट है सो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था हां हैमर स्टैंड लैट पुल डाउन और हैमर स्टैंड मशीन रो इन दोनों से पूरी बैक ग्रो होती है अब अगर बहुत लोग बोलते होंगे कि साकेत जो बोलता है एक वर्टिकल मूवमेंट और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज है आप समझो कि ये जो दो मशीन वो यूज कर रहा है ना इट्स मोर देन इनफ या ये दोनों मशीन सब कुछ बैक पे आता है जो टारगेट मसल है सब यहां पे आ रहा है ये मशीन एक्चुअली जस्टिफाई कर रही है ब्रो बेस्ट ये दो मशीन जस्टिफाई कर रही है तेरे मूवमेंट को और इससे पूरी बैक हिट होती है आई गेस उससे और इससे ऑनेस्टली यस और जस्ट आइसिंग ऑन द टॉप के लिए हम लैट पुल ओवर भी करेंगे या आइसोलेशन पूरी लैट्स को ओवरऑल आइसोलेट करने के लिए यस लेट्स गो मैन लेट्स गो रेडी लेट्स गो लेट्स गो कम ऑन पुल
One. Pull the sword. Pull. Two. Good set. Three. Chal. Pull the sword, bro. Yes. Four. Pull the sword. Five. Sword. Six. Let's go. Ten. Get. Seven. Come on. Pull. Eight. Let's go. Nine. Not done yet. Azun ek gaye. Ten. Two more. Last two. Pull. One more. Full squeeze. Slow. Good job. Nine. Bhari. Anna Wallik said. कुछ तो नया लगा इसमें. यूजुअली जब मैं मशीन रो करता हूँ इतना ओपन अप नहीं करता. yes. पर करना चाहिए. उससे मसल ग्रोथ ऐसा लगा कि फटने वाला है. उससे मसल ग्रोथ होता है ना. फुल स्ट्रेच करते हो तो. फुल स्ट्रेच. क्रेजी. मैड देवराज, यू वांट टू जॉइन अस एंड डू अ सेट सम पॉइंटर्स सम क्यूज. कम, यू विल आल्सो गेट टू लर्न. कम. व्हाई यू हाइडिंग इन अ कॉर्नर ब्रो. Come. Class. Beauty. Lovely. Crazy. Feathering. Chal Mir. Come on. Nice. Beauty. Wow. Beauty. What a set. What a machine. What a new name. Machine, yes. Shift ho Punela, yeah, machine sati. Son, come on. Pull. One. Two. Let's go. Three. Four. Chal. Ten dubs gaye. Five. Six. Yes. Seven. Three more. Eight. Two more, bro. Two more. Chal, pull. Nine. Ten. Don't get Azun. Don't get. Give shaktus tu. One. Pull kar. Purna pull kar. Chal. Enough. Compound movement ka last set hai. Come on. Class. Class. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Come on. Ten. Chal. Till failure, Mir. Chal. Last set, Zahil. अजून एक. तो अभी कितने कैलोरीज कंज्यूम करता है, कितने मील्स कंज्यूम करता है और वो मील्स कैसे दिखते हैं? अभी मैं ये सब अपने चैनल पे बताने वाला था लेकिन अभी तूने पूछ ही लिया है तो मैं टोटल 6 मील्स लेता हूँ. स्टार्टिंग की मील मेरी होती है सुबह उठने के बाद, वो होती है ब्रेड एंड ऑमलेट. और उसके बाद मैं ओट्स खाता हूँ या फिर मैं शेक बनाता हूँ उसको. आई डोंट प्रीफर ईटिंग ओट्स, ऐसी बॉईल करके उसका शेक बनाता हूँ. ओट्स बनाना वे प्रोटीन का शेक होता है. फिर वर्कआउट जाने के पहले मैं या तो फिर से पीनट बटर और ब्रेड खाता हूँ या तो एग एंड ब्रेड फिर से खाता हूँ. ओके. वर्कआउट के बाद आई कंज्यूम राइस दो या तीन बार डिपेंडिंग ऑन द हंगर लेवल्स आई हैव. और रात को सोने से पहले यू नो व्हाट आई कंज्यूम. सिक्स बनानास. सो चिकन राइस की मील दो बार होती है या दो से तीन बार? और अगर कार्ब सोर्सेस की बात की तो तू राइस इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करता है, राइस या ब्रेड? बिकॉज राइस बहुत ही सिंपल कार्ब है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है. एंड एज यू नो मैं लीन बल्क पे हूँ. ओके. तो लीन बल्क में चीट कोड है राइस एंड ब्रेड, ये दोनों चीज़ एंड बनानास. और ये तीनों ही चीज़ बहुत इफेक्टिव काम करता है मेरे लिए एज अ पर्सन. आई डोंट नो बाकी लोगों के लिए काम करता होगा कि नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन मेरे लिए ये चीज़ काम की है तो मैं 8 साल से यही करता आ रहा हूँ. मैंने बस ट्रिम किया है डाइट को अपने ऊपर से नीचे, टाइमिंग चेंज की है, बाकी मेरी डाइट सेम ही रही है. सो सिक्स स्मॉल मील्स या राउंड अबाउट 3000 कैलोरीज के आसपास आता है. 3000 to 3200 के आसपास.
और अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात की तो एडवाइस क्या होगी और तू पर्सनली कितना कंज्यूम करता है? आई पर्सनली कंज्यूम अराउंड 160 140 160 में फ्लक्चुएट होता है. आई डोंट काउंट टू बी ऑनेस्ट, कैलोरीज में काउंट नहीं करता हूँ. ओके. ओवर द ईयर्स मुझे जो मील्स पसंद आई है और मैंने जिस मील को लेके अपने बॉडी वेट के साथ खेला है, मुझे लगता है मैं 3000 और 3200 में ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देख पाता हूँ खुद में. और मुझे नहीं लगता कि जब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहे हो या फिर आप किसी चीज़ के लिए प्रेप नहीं कर रहे हो, आपको कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत है. क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो जाता है, आप अपने फूड्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं. मैं तो नहीं चाहता कि फिटनेस एज ए लाइफस्टाइल आप इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करो, इसको एंजॉय करो, जितना हो सके इसको सस्टेन करने की कोशिश करो ताकि ये लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट दे. राइट. अगर आप हर चीज़ को काउंट करते रहोगे ना तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपनी मील्स एंजॉय नहीं कर पाओगे. आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पास कुछ क्या बोलते हैं, कुछ इंतजाम नहीं है कुछ खाने का, आपको कुछ बाहर खाना है, तो आप थोड़ी कैलोरीज काउंट करते बैठोगे, नहीं घूमोगे आप. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मील खाओ और उसको देखो काउंट करके, एक ही बार काउंट करो कितना कैलोरीज अमाउंट आ रहा है, उसी को थोड़ा ऊपर नीचे करके आप अपने गोल के तरफ कर सकते हो. आपको लीन बल्क करना है, कट करना है, जो भी है. आई फील लाइक मेरे इस लीन बल्क में मैं ये फॉलो करने वाला हूँ. ओके. मैं पिछले 3-4 सालों से सारे कैलोरीज काउंट करते आ रहा हूँ. पर लाइक यू सेड उससे फूड एंजॉयमेंट चला जाता है. या सो आई फील लाइक अब मुझे पोर्शन साइजेस वो सब पता है, तो गोइंग फॉरवर्ड मैं इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करने वाला. राइट. क्योंकि जैसे सेम जैसे मैंने बताया, जब तक आप प्रेप पे नहीं हो, किसी जो आपका गोल नहीं है कि आपको इतना पर्टिकुलर बॉडी वेट चाहिए, तब तक आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है. एंजॉय करो अपने फूड को, अपने मील को सस्टेन कैसे कर पाओगे उस पर फोकस करो, ना ही कि आपको अपनी मील को इतनी कॉम्प्लिकेट करनी है. नहीं नहीं भाई, अगर दो ब्रेड है तो मैं दो ही खाऊंगा, दो और आधा खा लूंगा तो मेरा बॉडी फैट बढ़ जाएगा, ऐसा इतना मत करो बस. लवली एडवाइस. और एक चीज, मैं ऐसा पहली बार बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी होगी तो माफ कर रहा, समझ में आ रहा है भाई, डोंट वरी. क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ ना ये सब, इसीलिए अब थोड़ा बहुत यूज्ड हो जाऊंगा तो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा. नहीं, सब कमेंट्स में बोलने वाला है, सब इजीली समझ में आ रहा है, डोंट वरी. थैंक यू सो मच ब्रो. ओके ओके. थ्री, गुड जॉब. फोर, लेट्स गो. 6 7 come on. 8 pull. 9 10 don't get azun. 11 one more. Enough bro. Class. Wow. What a stretch. Oh, class. Beauty. 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 Class. Come on. Beautiful. Beautiful. Not done yet. Come on. Big stretch. Let's go. Pull. 1 2 Quality bro. Come on. Elbow ra thoda close kar. Ha. 3 Hila as a hook use kar, theek hai? Yes. Come on. Pull. 4 Yes. Class. Sir. Pull kar. 5 Elbows un close ke thoda sa. Come on. Pull. 6 Yes. Come on. Purna sod. Jao de overhead. Yes. Aadha pull kar. 7 Perfect. Overhead jao de. Pull kar aadha. 8 Chal, 4 more ha. Come on. Pull. 9 Lovely rahe. Come on. Pull kar. 10 Azun don ke. Overhead jao de. चल, one more, कोल पूर्ण, कोल अजून, चल पुल कर, एकदम स्लो, अजून एक गे, क्लास, हाँ,
Triations is that? Full stretch. Yes. Full stretch. Lovely. Lovely. Not done yet. Last. Pull it up. One. Legs stable too. Pull. Two. Haan. Pull kar. Three. Yes. Purna sword jao de overhead. Pull. Four. Good job. Come on. Purna stretch kar. Ani contract. Five. Yes. Pull. Six. Very good. Seven. So four more. Eight. Come on. Pull kar. Pull kar. Pull kar. Pull kar. Pull kar. Help. 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 Haan, haan. Sir. Come on. Last two. Azun ek. Two aayet azun. Azun ek. Azun ek aayet. Slow. Pull. 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 Slow. Slow. Azun ek ghe. Azun ek ghe. Azun ek ghe. Ghe. Last set aayet. Chal. 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 Enough. 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 Bro, last set hai. Chal. Keep going. Keep going. Azun, 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 last set hai bro. Azun ek, Azun ek, Azun ek. Azun ek, Azun ek. Chal, 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 chal. Chal, chal, mia hai. Last set hai. Slow. Full stretch. Last. Fuck. आप सबके लिए थोड़ा सा रॉ आईफोन पोजिंग फुटेज. लेट्स गो. क्लास. ओ beauty. Beauty. Class. So Avadhoot, chest and back एक साथ किया. अलग ही लगा, but वही ठीक से नहीं हुआ. शूट भी करना था. थक गया होगा ना पर दो बड़े मसल ग्रुप्स. वही आत्मनिर्भर. अर्पण, जिम कैसा लगा? परफेक्ट. परफेक्ट जिम था. एलजी ना, बहुत मजा आया. मीर वर्कआउट रेटिंग 10 आउट ऑफ 11. सॉरी 11 आउट ऑफ 10. आज के बैक वर्कआउट में मैंने यूजुअल से ज्यादा अपने लैट्स को स्ट्रेच किया और यूजुअल से ज्यादा उन्हें खोला, इसीलिए बहुत ही अनयूजुअल टाइप की सोरनेस महसूस हो रही है. मैं क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि कल मेरे लैट्स कितने सोर होते हैं. अब मीर वाटरमेलन जूस
मन कर रहा है कि नहीं? यस यस वेरी इंपॉर्टेंट. दो या तीन ग्लास? चार ग्लास. प्रोग्रेसिव ओवरलोड. वहाँ पर जूस का ऑर्डर दे दिया है. अब हम यहाँ से ब्रेड उठाएंगे. एकदम फ्रेश बेकरी वाला ब्रेड है. तो हमने दो विद शुगर, दो विदाउट शुगर मंगाया है. ये विदाउट शुगर है. चीयर्स मीर. चीयर्स ब्रो. राउंड टू गाइस. चीयर्स. अभी जगह पे मिलेंगे डायरेक्ट. सी यू. बाय ब्रो. बाय.